दारू कब पीती हुई है? दारू कब पीती है? दारू कब पीती है? हाँ दस दारू कब पीती हुई है? मैंने दस हूँ की हो गया? पहला तो बड़ी जवान चलती सी। कौन पे आ गया? दारू पे आ गया? उरे आके तेनू कोई आप दे कौन पे आजूगा? ले देख ओए ओ बंदे आ शर्म कर शर्म। और रब पे आऊगा? रब दे घरे बह के तू आ सामने दरबार साहब है ये रब दा घर है तू इत्थे दारू नाल डक्या बैठा है ओए होर की है जदों गुरुद्वारा साहब दे राह च बैठा है आ देख देख सकते हो भाई एक हो बैठा है ओ साइड ते बैठा हां वो बैठा आ देख सकते हो ये सारे दारू पी के भाई इत्थे बैंदे है बेदबियां कर रहे हैं हां दारू कौन वाले दारू बनाने वाले आते हैं किसी का मर गया दारू पीता है वो पीने वाला रोटी खाने वाला पीने अच्छा जिदा मर गया है कहना भी जिदा मर गया जिदा दारू पींदा थी भी ओ दारू पे आके ते जांदे सानू देख लो ए असल असल गल की है सिख संग जी मैं गल दसदा कि पैरू पीए आ गए ने पैरू पीए आ गए ने कल नू जे कोई इहदी फोटो वायरल होगी अगला कहूगा सिख बंदा दारू पी बैठा पर हैगा कुछ ये होर है हुण जे कड्डी इहदा बायोडाटा ऐ नहीं पता इह केड़ी स्टेट तो आके इत्थे रह रिहा आ देख सकदे हो इह होर स्टेट तो आके इत्थे बंदे छड्डे होए ने दूजी स्टेट तो आके दाड़ियां रखातियां आरएसएस इन्नी अंदर वड़ गई दाड़ियां रखातियां परने नीले बनते सिर दे उप्पर ते हिंदी बोलदे आ हिंदी बोलदे आ देख सकदे हो जे कल नूं इही बंदा बेअदबी करदा ते कह देणगे सिख नहीं बेअदबी करती आ साडी कौम दा हाल हो गया ये साजसां ने आ नीले परने जिहड़े बनाए गए ने इहनां दे सिर ते आ दाड़ियां रखाईआं गईआं ने ये दूजियां स्टेटां तो आके इत्थे रहिंदे आ संगत जी ध्यान दे लिया करो बहुत गहरी चोट मारी जा रही है साडे मैं बहुत मारी आ दे आ देख सकदे हां मैं मर जाऊंगा आ देख सकदे इहनूं इहनूं बिना बोली तों तुसीं कह सकदे हो भी इह सिखणी है पर जदों इह बोलदा उदों पता लगदा है भी इह सिखणी हैगा उदो पता लगता भी ये किसी होर स्टेट का आके इत बंदा साजिश करता कल मर जाओगे कहाँ से आए हो कहाँ से हो इधर ही हूँ इधर से हो नहीं पहले कहाँ से आए हो पहले कहाँ से आए हो बिहार से मेरा कोई नहीं नहीं बिहार से आए हो यूपी पे नहीं हटा चावरी घटा बिहार से आए हो या यूपी से आए हो कहीं पर तो जन्म लिया होगा आपने इधर ही लिया है 50 साल पहले यहाँ पर ही लिया है फिर हिंदी को बोलते हो अगर पंजाब में जन्म लिया है हिंदी को बोलते हो अगर पंजाब में जन्म लिया है हिंदी मेरे नाल है हिंदी नाल है हिंदी तुम्हारे नाल है अच्छा पंजाबी नहीं आती नो आती नहीं ओके हिंदी आती है ओके दारू रोज पीने हो नहीं हाँ कभी कभी यात्री के मर जाता है हाँ बाबू दारू भी तो हाँ पी ले वो दे जाता है ठीक है कितने साल हो गए जहाँ पर रहते को है? कितने साल हो गए 50 साल 50 ठीक है इनू बिना बोली तो भाई कोई नहीं कह सकता कि यह सिख नहीं है है नहीं भाई गल पर जदों बुला के देखिया तो पता लग्या कि साजिश घड़ी जा रही है ये कीर्तनपुर दरबार साहब तो बिल्कुल ही नज़दीक बैठा तो दारू नाल रज्या बैठा है तो देख लो साडे हालात आरएसएस ने की किते आ ये सिख बना के छड़ता जे कल नूं कुछ हुंदा तां अगला कोई सिखां ने कीता है आ देख सकदे हो वीडियो ये कीर्तनपुर साहब दियां ने हाँ दारू पिया है हाँ ले जा रहा था अपने कमरा पर कहाँ पर ओ है इधर थापू कमरा कहाँ पर है आपका थापू हाँ थापू स्मेल नहीं स्मेल नहीं स्मेल दी नहीं 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 जा रहा आ गुरुद्वारा ये क्या
जाएगा, जा गुरु की नहीं हो जाएगा कि जाएगा गुरुद्वारे से? नहीं नहीं नहीं, नहीं गुरुद्वारे के बीच से जाएगा। कहाँ पर है? तुम्हारे बैठे हैं अंदर कर रहे हैं लंगर शक रहे हैं, कईयों की पी होगी नहीं जहाँ पर ऐसी रहने हो? एक मिनट, ऐसी रहने हो? नहीं नहीं, दारू पी के गुरु घर भी जाने? नहीं नहीं, लंगर शाक के होने? नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाते। तुर के दिखा सही, तुर ले ले देखी ले ले आ दे आ दे आ दे गेड़े खांदा है। उरे आ जा, उरे आ, उरे उरे आ पींदा जी। देखो ये हालात ने साडे, कमेटी पता नहीं की करती है ना, कमेटी ने सोचना चाहिए कल बंदे बेअदबी कर दें फिर असीं किनू मूंह दिखावांगे भाई, किनू मूंह दिखावांगे जे इन्होंने बेअदबी की फिर असीं कह दें सिख माड़े है। पर देख सकते हो भी दारू पी पी गुरुद्वारे शरेआम शरेआम दारू पी पी के गुरुद्वारे फिरते हैं, साडे हालात देख लो फिर कह दें परदेसियां नूं तुसीं गालां कढ़दे हो, ऐ करदे हो, वाह करदे हो। साडे भरा कोई दूजे धर्मां दे विच दारू पी के तां नहीं जांदे, बाहरले मुल्कां च जेकर रहिंदे आ बाहरले मुल्कां च जांदे आ। ਉਹ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇਗੇ, ਝੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾਰੂਆਂ ਪੀ ਪੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਦੇ ਆਹ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੱਕਿਆ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਯੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ